हाय फ्रेंड्स, पूनम की रसोई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लाए हैं बनाना मालपुआ। तो जिसके लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत है ये हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक कटोरी मैंने मैदा ले लिया है, आधा कटोरी है फ्रेंड्स, सॉरी आधा कटोरी मेरा सूजी है। और यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार अपनी चीनी ले ली है, ये हमारा इलायची पाउडर है, ये मेरे ड्राई फ्रूट्स, आप अपने मनपसंद अनुसार आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। और मैंने यहाँ पे एक बनाना लिया हुआ है, ये देखिए एक ही लिया हुआ है मैंने। तो और मैंने एक गिलास यहाँ पे मिल्क लिया हुआ है, ये देखिए ये पका हुआ मिल्क है, कच्चा मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, कच्चा आप लोग भी यूज़ नहीं करिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम इसका एक बैटर बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम अपना मैदा डाल देंगे और सूजी भी डाल देंगे और जो मैंने चीनी रखी हुई थी उसे भी डाल देंगे, स्वाद अनुसार आप डालिएगा। और इसमें अब हम मिल्क डाल देंगे, मिल्क अब थोड़ा थोड़ा सा ही फ्रेंड्स डालिएगा और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से अपने तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसमें हम अपना इलायची पाउडर डाल देंगे, इसे भी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें हमने अपने कुछ ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, थोड़ा मैं इसमें अपना बादाम डाल रही हूँ, थोड़े से ही मैं इसमें काजू डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। तो देखिए मेरा मिक्सर रेडी है। अभी हमें फ्रेंड्स इसमें अपना बनाना एक डालना है, तो मैं प्लेट ले लेती हूँ और अपने केले को अच्छे से छील लूँगी। अब इसे हमें अच्छे से कद्दूकस कर लेना है, तो मैं एक कद्दूकस कर लेती हूँ अपने बनाने को। अगर आप पीसना चाहते हैं तो आप उसे पीस भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अच्छे से कद्दूकस कर रही हूँ, मैं एक यहाँ पे बनाने का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इससे इसको डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है एकदम। तो इसलिए आप जब भी मालपुए बनाइएगा तो इसमें बनाना ज़रूर डालिएगा, चाहे वो बहुत 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 मस्त ये बनेंगे फ्रेंड्स। तो हमें इसे अच्छे से कद्दूकस कर देना है। तो ये देखिए मेरा बनाना कद्दूकस अच्छे से हो चुका है। अब इसे हम अपने मिक्सर में डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने कद्दूकस करके अपने ये बनाना रखा हुआ था इसे हम डाल देंगे अपने मालपुए के मिक्सर में और इसे अच्छे से हम एकदम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारा मिक्सर कितना गाढ़ा हो गया है, हमें ऐसे ही चाहिए क्योंकि इसे अभी हम आधे घंटे के लिए रखेंगे, इसके बाद ही हम बनाना शुरू करेंगे फ्रेंड्स, ताकि हमारी सूजी अच्छे से फूल जाए। तो चलिए अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुका है हमें इसे रखे हुए। तो चलिए इतना देखिए, इतना ही थिक हमें चाहिए था, हमारी सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी गैस की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। तो हमारा तेल गरम होते ही इसमें हम फिर अपने पुए बनाना शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, आप भी इस होली में ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि होली में सबके घरों पे ही ज़रूर बनता है ये मालपुए।
तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बनाना मालपुआ ये बहुत यम्मी बनते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छे लगते हैं, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल हो चुका है, अब हम इसमें अपने मालपुए बनाना शुरू करेंगे। तो एक एक करके ही फ्रेंड्स हमें इसमें बनाना है अपने मालपुए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक मालपुआ बनके तैयार है, इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, और दूसरा भी हमें इसी तरह बनाना है। तो ऐसे ही आप डाल दीजिएगा, फैलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद अच्छे से फैल जाता है, तो फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे अभी अच्छे से हम होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा दूसरा भी बनके तैयार है, हमें इसी तरह अपने सारे फ्राई कर लेने हैं। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और इसी तरह हमें सारे अपने तैयार कर लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे मालपुए बनके तैयार हैं। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए रबड़ी बना के रखी हुई थी, तो मालपुए के साथ रबड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो इसको हम डाल देते हैं अपने मालपुए के ऊपर, अच्छे से फैला देंगे हम, और इसकी अच्छे से हमें गार्निश करनी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी इस पर रबड़ी डाल दी है, अब हम यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो मैं कटे हुए बादाम और काजू डाल रही हूँ, आप ऐसे ही रबड़ी के साथ खाना चाहते हैं तो सिर्फ आप ऐसे ही खा सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ इस पर ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ ताकि ये और सुंदर लगे देखने में। तो देखिए मेरे मालपुए बनके तैयार हैं, तो देखिए कितने मस्त लग रहे हैं, आप भी इस होली पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मस्त बनते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, और आप खा के देखेंगे ना तो ये उससे भी ज़्यादा मस्त बने हुए हैं, आप फिर इसे बार बार बनाना पसंद करोगे। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बनाना मालपुए कैसे लगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।